पहले मुझे ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा था शायद। कहाँ तक पहुँचा देंगे 15,000 लोग बात है। हाँ हाँ चलो पहले फाइनली मुझे ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा था शायद कल या परसों तक तू मुझे ज्वाइन करेगा। नहीं मैं ना नहीं मैं टीम तुषार से थोड़ी बातें कर रहा था यार, तो उनसे बातें करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। ओके यस आने देते हैं अभी लोगों को, तब तक मैं सुंदर सा फिल्टर लगा लेती हूँ कोई मस्त। ठीक है ठीक है। ये तेरे पास अच्छा एक बार ये मेरे से मिली अयांशी, मैं आप लोगों को एक बात सुनाता हूँ गाइस, आप लोग मजा आ सकते हैं। सबसे पहले बार जब मैं अयांशी से मिला था तो अयांशी ने बोला कि ले तुषार मेरा एक वीडियो शूट कर, ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। अब इसका सब ये बात तो छोड़ो ही छोड़ो, ये बात हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसका मैंने जब फोन हाथ में लिया इसका वीडियो शूट करके दिया, मैंने बोला ये देख कैसा लग रहा है। नहीं नहीं इसमें ना वो चीज नहीं है, ऐसा होना चाहिए वो नहीं है इसके अंदर, वो मजा नहीं। मतलब मेरे को लग रहा था कि भाई मैं ना T-सीरीज की मूवी शूट कर रहा हूँ और मेरे को सामने से डायरेक्टर बोल रहा है ये नहीं ये करो। मैंने ठीक है एक और शूट कर देता हूँ। भाई 10 टेक ले दिए इसको मैंने, फिर भी इस बंदी को वीडियो पसंद नहीं आ रही। मतलब मेरे दिखते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, समझा। तेरे बड़े अच्छे-अच्छे दांत है ना, वो बात ठीक है, मगर ये चाहती है कि इसकी पब्लिक को भी ये बेस्ट कंटेंट दे अगर उस नजरिए से देखा तो। ये ऐसे काम चलाऊ काम नहीं करती है, मतलब बहुत मेहनत करती है अयांशी। थैंक यू। और तू कैसे बनाता है वीडियो बता दो सबको, बता दे। तुषार का वीडियो आता है, ये बोलेगा कि ठीक है मेरा वीडियो बनाओ, ठीक है इसका वीडियो शूट करके देंगे। फिर मैं इसको बोलूंगी तुषार अच्छा नहीं एक और टेक ले, अरे अरे ठीक है ना ठीक है डाल दे। बट जब ये घर पे बनाएगा वीडियो ये उसको बहुत अच्छे से देखेगा। मेरे सामने कुछ ज्यादा ही हीरो बनता है कि मैं तो एक टेक में ही वीडियो बना लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज्यादा हीरो बनता है गाइस मेरे सामने। अब ऐसा अच्छा भी लगता है बार बार बोलू अयांशी को नहीं दूसरा टेक ले तीसरा। एक बार बना दिया उसने मेरी वीडियो, ठीक है यार अयांशी शर्मा ने मेरी वीडियो बनाई है, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है मेरे लिए, कुछ नहीं हो सकती है। बाकी मैं मेरा वीडियोस वगैरह घर में जब अकेला बैठता हूँ तो मैं मेरा 110% देता हूँ और तभी आप लोग वो वीडियोस को बहुत पसंद करते हो। अभी मैंने खुद की वॉइस में भी स्टार्ट करा है वीडियोस बनाना और मेरे पास बहुत सारी लाइंस लिखी हुई है। मैंने कल अयांशी को भेजी थी, सुनाई थी तो अयांशी मुझे तो पता भी नहीं था ये लिखता भी है। बट नहीं मैं लिखता हूँ, जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं ना उन लोगों को पता होगा कि मैं मेरी स्टोरीज में कुछ लाइंस लिखता था और रिटन बाय तुषार सिलावट ऐसे नीचे करके लिखता था, तो वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरी वॉइस भी बनाऊँ वीडियो। अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा कल का वीडियो। मैंने आज सोचा था कि मैं उस पर से बनाऊंगी बट आज टाइम ही नहीं मिल पाया। एक तो आज मैं बहुत बिजी थी। कमेंट सेक्शन लो, आप उनका नाम बोलो ना, याद है मेरा नाम। कमेंट सेक्शन स्पार्कलिंग तुषार, हाय स्पार्कलिंग तुषार। रिद्धिमा बिग फैन ब्रो। कुछ दिल्ली का इवेंट कैसा? दिल्ली का इवेंट बहुत बॉम्ब गया, मजा आ गया। हम बहुत जल्दी एक और नया इवेंट प्लान कर रहे हैं, आपकी सिटी में आएंगे हम आपसे मिलने, तो थोड़ा इंतजार करो। ओके सो गाइस आई थिंक बहुत सारे लोग ऐड हो चुके हैं। हाँ, मैं आप लोगों को बता क्या है क्या नहीं। आज रोक लो मुझे, पेट में दर्द हो रहा है हंस के। कौन कौन बोल रहा है? आशु मामा। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या आने वाला है और क्या नहीं। यस कल बता दे। आज से 20-30 दिन पहले हमने एकदम चुपचाप से कुछ शूट करा था कंटेंट आप लोगों के। और मैं सबसे ज्यादा नर्वस थी उस दिन, मतलब मेरे को तो बुखार ही आ गया था डर के मारे। इसको तो अयांशी को तो बुखार ही आ गया था और उस चीज को हमने कैसे क्या करा है वो शायद हम दोनों ही जानते हैं। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी यार, लिटरली हम लोग सुबह 5 बजे अयांशी कॉल पे मेरे साथ, भाई 2-3 बज रहे हैं अभी तक तो मैं सोई नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार मैं भी नहीं सोया हूँ, कैसे जाएंगे कैसे। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसको सुबह उठना था, क्योंकि मेरे को सुबह उठना था। इतनी एंजाइटी थी मेरे अंदर कि मेरे को 5 बजे उठना है, तो मैं पूरी रात ही नहीं सोता था भाई साहब। मतलब अगले दिन मेरा शूट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा था उस वक्त मैं शूट में बहुत बिजी था, तो वो शूट ये हो रहा था कि हम दोनों का एक बहुत प्यारा सा एल्बम सॉन्ग आ रहा है जो कि आए ट्रेंड ट्यून्स पर, और वो इतना फाड़ू बना है ना, मतलब कल हम लोगों ने देखा। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे ना बहुत ज्यादा फोबिया अपने ब्रेसेस को लेके कि मैं स्माइल करूंगी। अर्यांशी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि यार मेरे ब्रेसेस मैं कैसी लगूंगी कैसे नहीं। और मेरे को बहुत सारे सॉन्ग्स भी आए और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे ब्रेसेस लगे हैं। अर्यांशी को बहुत सारे एल्बम सॉन्ग वगैरह आए थे, ऑफर्स आए थे, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि ब्रेसेस थे अर्यांशी को। बट फिर भी मैंने बोला कोई नहीं, हम पहला गाना करेंगे। और मुझे पहला गाना के साथ ही था तो कंफर्टेबल थी मैं तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तू इन सब के ऊपर ध्यान मत लगा, ये बहुत ज्यादा टेंशन में आए थे। मैंने बोला इन सब के ऊपर ध्यान मत लगा, हम हैं तेरे साथ। तो हमने खुद ही एक बहुत प्यारा सा गाना बनाया, एल्बम सॉन्ग बनाया, जो कि बहुत ही बॉम्ब शूट हुआ है और वो आएगा सेमरन ट्यून्स के चैनल पर। हाँ। तो अब कल की बात बताता हूँ मैं, कल क्या होने वाला है। कल हम लोग डालेंगे उसका पोस्टर दोनों हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, दोनों के पेज पर डलेगा हमारे पोस्टर और रिलीज डेट के साथ डलेगा टीजर। अब टीजर कब डलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। कल जब हमारा पोस्टर आएगा, ठीक है, तो हम वो पोस्टर की टाइमिंग अभी डाल देंगे रात को 12-11 बजे तक, जब हमारे पास रिसीव हो जाएगा वो पोस्टर। फिर उस पर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक एम रखता हूँ मैंने बहुत सारे एम रखे पहले भी कि आप लोगों ने मेरी पोस्ट को एक एक मुझे पता है आप उस एम को बहुत ज्यादा नहीं अटका है मेरा शायद कनेक्शन। ओके, सो आपको क्या करना है अभी ठीक है तेरा? हाँ, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा एम रखा है मैंने उस पोस्टर पर, आपको 50,000 कमेंट्स करना है उसके ऊपर, ताकि हम देख सके कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो उस चीज को लेकर। मतलब कि हमको भी लगेगा कि नहीं यार आप लोग भी एक्साइटेड हो, सो हम भी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे उसे लॉन्च करने के लिए। सो यस, कल हम लोग अपलोड करेंगे हमारा पोस्टर और देखेंगे कैसा रहेगा कैसा नहीं। फिर जैसे ही उसका एम कंप्लीट होगा, अगर हमारा कल ही एम कंप्लीट होता है तो हम परसों ही ट्राई करेंगे टीजर अपलोड करने का। आप टीजर जब देखोगे ना तो आप बोलोगे कि मतलब मैं ऐसे, मेरे को ना रोंगटे खड़े हो गए थे देखते ही, क्या सेक्सी लग रहा था, सब कुछ एकदम खतरनाक लग रहा था। सो वही था, यही सरप्राइज था। मैं इस लाइव को शेयर कर रहा हूँ, जो लोग नहीं देख पाएंगे वो लोग भी देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम और कल के लिए वेट कीजिए। हमारा कल आने वाला है पोस्टर, गाने का नाम है तू तो मेरा ही रहना और वो बहुत ही प्यारा गाने आने वाला है। मतलब पंजाबी सॉन्ग बहुत प्यारा है, मतलब गाना भी बहुत प्यारा है और पंजाबी सॉन्ग है, बहुत पसंद आएगा आपको, वो बहुत पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून, कल के लिए वेट कीजिए। और बाकी आई नो टीम तुषार और अरुष कॉट, आप लोग बहुत प्यार करते हो हम लोगों को एंड आई नो आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे। सो लेट्स सी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स कर पाएंगे आगे। बाकी देखते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे हमारा गाना ट्रेंड करे, जैसे मेरे ब्लॉग्स ट्रेंड करते थे। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ट्रेंड करे हमारा गाना। और मेरे एक टीम तुषार के मेंबर से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके शेयर करना, जितना हो सके कमेंट करना, जितना हो सके सेव करना, और जितना हो सके जब गाना रिलीज हो सब लोगों को शेयर करना, सब लोगों को दिखाना, अपने घर में जो भी लोग हैं, मम्मी पापा दादी दादा, उनके बच्चे, उनके भाई, सबको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी क्यूट सी स्टोरी है, पूरी स्टोरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नाच रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हैं। ये गाने सिंपल स्टोरी है, बहुत स्वीट स्टोरी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और बस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रिद्धिमा मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तुझे तो मैं अभी चैट पे मैसेज करूंगी। तो अर्यांशी आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, मैं बस यही बोलूंगी कल अपन करेंगे फिर रिलीज एंड देखते हैं। बाकी मुझे पता है टीम तुषार का तो मेरे को पूरा पता है, अपना भी मुझे पता ही है, तुम लोग बहुत प्यार दिखाओगे। बाकी let's see और bye take care, all the best, bye take care, all the best, good night. Okay so guys अर्यांशी को हमने अभी रिमूव कर दिया है। सो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि क्या क्या करना होगा आपको कल, उसे शेयर करना है, सेव करना है, उस पोस्टर को जितना ज्यादा शेयर। मैं चाहता हूँ वो पोस्टर 1 लाख शेयर हो उसके ऊपर, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आप लोगों पर पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लेता हूँ। हमसे बात कर लो या स्पार्कलिंग तुषार, बोलो 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 बोलो। हाय हाय, भगवान से दुआ करती हूँ 1 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी यही विश करूँगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चले, क्योंकि ये मेरा पहला ही सॉन्ग है एक तरीके से जो मेरे को खुद को अच्छा लगा। मेरे पहले भी कुछ सॉन्ग आए थे मगर मेरे को वो जमे नहीं देते अच्छे, तो मैंने उनको इतना शेयर वेयर कुछ भी नहीं करा। मगर ये जो सॉन्ग है मुझे वो पर्सनली इतना अच्छा लगा है, मतलब कि मैं चाहूँगा आप लोग भी देखो, अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखो। और टीम तुषार को तो बहुत ही पसंद आने वाला ये गाना। ठीक है, सो यप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव स्ट्रीम। हमारे आज 25,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए थे, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। ज़ारा ज़रा बोल देना, हाय ज़ारा, हाय ज़ारा, हाय मौसा मौसा। अबे अलावा वो सब कुछ नहीं होने वाला है, तेरी गलत फहमी है। तू मेरा माइक ला दे बस, मुझे शूट करना है यार थोड़ा सा। नेक्स्ट इवेंट हैदराबाद, डन तो मैं अभी नहीं कह सकता पर मैं बात करूंगा राकेश भाई से, हैदराबाद भी आएंगे ज़रूर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड मिलते हैं।